हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस, मैं आप लोग को आज ये बताने जा रहा हूँ, बहुत बुरी खबर है। खबर बहुत सारे जन पता भी होंगे और बहुत सारे जन नहीं पता है भाई, इसलिए मैंने वीडियो बनाया कि भाई चलो, बहुत सारे जनों को पता भी नहीं होंगे और बहुत सारे जनों को पता है भाई, ताकि आदमी को पता चले किस लिए वीडियो बनाया और क्या चीज़ में वीडियो, और जो भी बंदा देखे पूरा फुल वीडियो देखे। मैं बताने वाला हूँ बहुत बड़े शख्सियत के बुरी खबर सुनाने वाला हूँ, जो कि आप सब जानते होंगे। सब जानते हैं भाई, पूरी इंडिया के, पूरी दुनिया जानती है सब उनको। मौलाना तारिक जमील साहब, नाम सुने होंगे आप। तो मैं उनके खबर ये बताने वाला हूँ कि उनका लड़का आसिम जमील जो कल इंतकाल कर गया। इंतकाल कैसे गया? बहुत सारे ने भाई पाकिस्तानी, मैंने न्यूज़ देखा, बहुत सारे जिन्हें जिनको पता नहीं थे, बहुत सारे जिन्हें बताया कि भाई इसका दुश्मनी था, इनके दुश्मन ने इनको गोली मार दिया, वो दुश्मनी था उनको मार दिया। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो कि भाई जो मौलाना तारिक जमील साहब का बड़ा लड़का यूसुफ जमील साहब हैं, उन्होंने अपने चैनल में आके अपनी बात रखी। उन्होंने जो उन्होंने बताया, मैं उनको आपको यूँ बता रहा हूँ, उन्होंने ये बताया कि देखिए, मेरा मीडिया माने का असल वजह ये है, आना नहीं चाहिए था इस हालत में। क्यों नहीं आना चाहिए? कि घर में भाई इंतकाल, छोटा भाई का इंतकाल हो गया और मैं इस टाइम मीडिया में आ रहा हूँ, सोशल मीडिया के अंदर, नहीं आना चाहिए था। इसलिए मैं आया कि भाई उनका बहुत दिनों से, मेरा छोटा भाई आसिम जमील का तबीयत ख़राब हो रहा था, और एक बचपन से उनकी एक पैदाइशी, जब से पैदा हुआ था, जब से उनकी एक बीमारी थी, डिप्रेशन वाली बीमारी थी, जब से उनका इलाज चला, अभी 6 महीने से कुछ ज़्यादा सीरियस हो गए थे। तो उनका डिप्रेशन का बीमारी था, उनके अंदर डिप्रेशन में आ जाते थे कभी कभी, तो उनको शौक दिया जाता था उनके बीमारी को रोकने के लिए। उन्होंने बताया, यूसुफ जमील ने बताया अपने चैनल में आके, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो उनके जब घर में कोई थे नहीं, वो अल्लाह के करम से अकेले उस दिन थे वो, और घर में मौलाना ने कह रहा घर में कोई थे नहीं, और उस टाइम आसिम जमील साहब अकेले थे, क्या नाम है, उनको डिप्रेशन आया, मतलब एकदम से डिप्रेशन आएगा, जाहिर सी बात है भाई, देखो किसी को भी अगर कोई सर में दर्द हो या बुखार हो रहा है, एकदम से आएगा, अचानक दर्द होगा तो भाई आदमी परेशान होगा। तो भाई बेचारे डिप्रेशन में आए, क्या गार्ड उनके लगे हुए थे, गार्ड जो थे, सिक्योरिटी गार्ड जो थे घर पर, तो उनकी बंदूक ली और ख़ुद को शूट कर ली। बस ये बात है, सारी सच्चाई है। और जो बता रहे हैं बहुत सारे न्यूज़ वाले, जो गलत गलत बता रहे हैं, दुश्मनी थी, ये था, वो था, ऐसा कुछ नहीं है। दुश्मनी उसमें उनकी कुछ नहीं थी, पर यह है कि भाई उनके लिए दुआ कर सकते हैं, इन्ना लिल्लाहि वइन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। बहुत अच्छे इंसान थे मौलाना तारिक जमील साहब। जब मिट्टी देने गए थे, उनके नमाज़ जनाजे की नमाज़ हो रही थी, जब भी बताया भाई, उनके दिल इतने साफ थे, इतना प्यारा था वो, मेरा सबसे प्यारा लड़का था, इतना प्यारा लड़का था। मैंने उनकी एक वीडियो भी देखी थी, जो आप देख लीजिए वीडियो, जो नहीं देखा देख लीजिएगा यूट्यूब में। भाई मौलाना तारिक जमील साहब जब बात करते हैं ना, जब उनको थोड़ी कुछ बात बोलते हैं, मुस्कुराते हैं, उनके शक्ल तलक नहीं देखते मौलाना तारिक जमील साहब, इसलिए इज्जत करते हैं। इतना वो अपने अब्बा का इज्जत करते थे वो। तो यार ऐसा लड़का, अगर किसी का बड़ा लड़का इंतकाल कर जाए, कैसा गम में जाएगा, आज कैसा गम होगा अपने आप को, कितना दिल रोएगा। तो ये है कि भाई आप लोग से दरख्वास्त है कि अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमाए, और उनके घर वालों को, उनकी पूरी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए, सब्र अता दे। अल्लाह उनकी तारिक, वो क्या नाम है, आसिम जमील साहब की मगफिरत फरमाए। तो भाई इसलिए बताने का मकसद इतना था। और जो बंदे मेरे चैनल में नए आ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और हौसला अफजाई करें कि अच्छे अच्छे वीडियो बनाओ, और मैं और भी सारे छोटी छोटी बातें जो हैं आपको खबर देते रहूं। तो भाई ऐसे उनका इंतकाल हुआ, तो मैंने उनके चैनल में देखा, जो उन्होंने सच्चाई बताया वो आपको मैंने बताया। तो ये है कि आप लोग से दरख्वास्त है कि बस उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। मौलाना तारिक जमील साहब की जो मैं वीडियो देख के, और जो रो रहे थे अपने बेटे के, जो तारीफ़ें बता रहे थे ना, सुन के मुझे, मेरा भी दिल रो रहा था भाई, मेरे आँख में आँसू हो गया था, झूठ नहीं कह रहा हूँ। वो मतलब तारीफ़ ऐसे सुना रहे थे वो सब, जैसे कि भाई इतना गरीबों से मोहब्बत करते थे,
अपनी महंगी महंगी गाड़ी लेके जब जाते थे वो एक अपने उस गांव में उनके एक पागल था मुल्ला तारी जमीन साहब जब नमाज के टाइम बता रहे थे उनके दिल इतना साफ था उनके लड़के का। एक पागल था गांव में जो सिर्फ आसिम जमील को जानते थे, मियाँ 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 खलिया मियाँ नाम लेता था, मियाँ कहता था मतलब आसिम जमील को साहब को कहते थे। वो इतने गंदे रहते थे, इतने कपड़े गंदे, सब जगह से गंदे गंदे पूरे गंदे रहते थे, हैं कभी इधर लेटना कभी उधर लेटना, गंदे ही होते हैं जब पागल होते हैं भाई। तो उनको गोद में लेके भाई अपने गाड़ी के सीट में बिठाते थे, पूरे सीट गंदा हो जाता था। ऐसा दिल का इंसान था, ऐसा साफ इंसान था दिल का। तो बताओ ऐसा इंसान अगर गुजर जाए इंतकाल कर जाए तो दिल में क्या बीतेगा। तो ये कि आप लोग से बार बार ये कह रहा हूँ कि उनके लिए दरख्वास्त है कि अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में अला से अला मकाम नसीब फरमाए, और उनके फैमिली को और पूरे जो उनके चाहने वाले थे अल्लाह उनको सबको सब्र जमील अता फरमाए। तब तक के लिए जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।